हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक डेटा एंट्री फॉर्म बनाएंगे लेकिन विदाउट वीबीए कोडिंग। वो लोग जिनको वीबीए कोडिंग नहीं आती है और वो अपना काम आसान करना चाहते हैं डेटा एंट्री फॉर्म में, तो वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस फॉर्म को डिज़ाइन कैसे करना है वो मैं आपको जरूर बताऊँगा, लेकिन उससे पहले हम इसमें दो एंट्रीज पास कर लेते हैं और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आपको आगे बेनिफिट देने वाला है। नया रिकॉर्ड डालने के लिए हमको क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है। और रिकॉर्ड डालने के लिए आपको क्लोज पे क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली जो रिकॉर्ड है वो शीट में अपडेट हो चुका है। इसी तरह एक और रिकॉर्ड डालते हैं। देखिए, जो हमारा ट्रेडिशनल वे होता है डेटा एंट्री में वो कुछ इस तरह से होता है। आप एक्सेल के सेल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाकर के रिकॉर्ड डालना शुरू करते हैं। अब इसका डिफरेंस नोट कीजिए, जो आप एक्सेल में यूजर फॉर्म बनाएंगे विदाउट वीबीए कोडिंग वो कैसे आपका काम आसान करने वाला है। इस फॉर्म को बनाने के लिए हमारी एक प्री रिक्वायरमेंट है कि हमको फॉर्म जो है वो अनेबल करना पड़ेगा। उसको अनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और जाना है आपको मोर कमांड्स में। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कमांड्स नॉट इन रिबन और सर्च करें फॉर्म को, आपको ऐड करना है, क्लिक ओके करना है, तो ऑटोमेटिकली जो फॉर्म बटन है वो यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा और जो वो टेबल है हमको इसको एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सेल टेबल को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक नई शीट लेते हैं और इसको डिजाइन करते हैं। एक मैनुअल रिकॉर्ड हमको डालना ही पड़ेगा इसमें। यहाँ पे क्लिक करें और आपको प्रेस करना है कंट्रोल टी, यहाँ पे प्रेस करें ओके, तो ऑटोमेटिकली जो डेटा है हमारा एक्सेल टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब किसी भी सेल पे क्लिक करें जो डेटा एक्सेल टेबल के अंदर है और इस फॉर्म बटन पे क्लिक करें। नया रिकॉर्ड डालने के लिए आपको क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है। क्लोज बटन पे क्लिक कीजिए, रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा।
एक और रिकॉर्ड डालते हैं, क्लोज। देखिए इस तरीके से हमारा जो डेटा फॉर्म है वो डिजाइन हुआ और उसने हमारा कितना काम आसान कर दिया है। अब मान लीजिए आपको कुछ रिकॉर्ड सर्च करने हैं, तो वो हम कैसे सर्च करेंगे? आपको जाना है फॉर्म पे, क्राइटेरिया पे सिलेक्ट करें, क्राइटेरिया के बटन को दबाएं, और मान लीजिए आपको रोल नंबर सिलेक्ट करना है 133। मान लीजिए हमारे पास एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे तो रिकॉर्ड्स हमारे कम है, इसलिए आपको शायद ये ऐसा लग रहा होगा कि आसान है, बट सोचिए कि अगर हमारे पास अप्रोक्सीमेट 500 रिकॉर्ड है या 1000 रिकॉर्ड है, तो हम रिकॉर्ड को कैसे सर्च कर सकते हैं इजीली? देखिए वो रिकॉर्ड जो है हमारे सामने स्क्रीन पे आ चुका है। सिर्फ तीन रिकॉर्ड की बात नहीं है, मान लीजिए हमारे पास एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। तो ऐसा करते हैं, हम प्रीवियस शीट पे जाते हैं जहाँ पे हमारे थोड़े से रिकॉर्ड हैं, और वहां पे जाकर के हम बेनिफिट देखते हैं कि इस यूजर फॉर्म ने हमको क्या क्या बेनिफिट दिए हैं कंपैरेटिवली जो हमारा ट्रेडिशनल वे होता है डेटा एंट्री का। अब यहाँ पे एक रिकॉर्ड ले लेते हैं, मान लीजिए हम रिकॉर्ड मैथ में वो स्टूडेंट्स हमको निकालने हैं जो अबव 93 है। तो 93 में हम देख सकते हैं कि एक तो 94 है रिकॉर्ड नंबर 4 और देन रिकॉर्ड नंबर 6। तो अब जब हम इसको क्राइटेरिया में डालेंगे तो वो ये दो रिकॉर्ड जो है हमारे पास अपडेट होने चाहिए। हमारा क्राइटेरिया है कि मैथ में मोर देन 93 किस किस के हैं वो रिकॉर्ड हमें लिस्ट आउट कर दें। तो हम क्लिक करेंगे फाइंड नेक्स्ट, एक रिकॉर्ड तो उसने फाइंड कर दिया है हमारा नंबर 6। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसने हमको बताया कि आगे कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हमको क्या करना होगा, प्रीवियस रिकॉर्ड पे क्लिक करना होगा, एक गगनदीप और दूसरा प्रीवियस पे जाएंगे, रिकॉर्ड नहीं मिला उसको, फाइंड नेक्स्ट। आप देख सकते हैं कि जो कितनी एक्यूरेसी से वो हमको रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है। अगर आपको रिकॉर्ड स्विच करने हैं इन बिटवीन रिकॉर्ड्स, तो आपको क्या करना है, फाइंड नेक्स्ट, ये जो है रिकॉर्ड वो आप स्विच कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको रिकॉर्ड अपडेट करने या डिलीट करने हैं, वो भी आप कर सकते हैं। रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, डिलीट बटन पे प्रेस करना है। मान लीजिए ये रिकॉर्ड जो है वो हम डिलीट करना चाहते हैं, तो आप डिलीट प्रेस करें तो रिकॉर्ड जो है डिलीट हो जाएगा। अगर आपको कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है तो वो आप रिकॉर्ड अपडेट ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये वाला रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो चुका है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी और आपको ये पता चल गया होगा कि कैसे हम एक्सेल में विदाउट वीबीए कोडिंग यूजर फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं और हमारा जो टाइम सेव होगा उससे हम कितना बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।